चलो नंदी पीछे से धक्का देना पड़ता है इसको। तो पापा ने क्या है ना, खीरा क्या है वो तोड़ लिया है, पहला खीरा है हमारे। तो हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 6 बजे से। तो आज का मौसम क्या है, थोड़ी थोड़ी सी धूप लगी है और हमारा खाने की तैयारी अभी हो रही है। चपाती क्या है वो मैंने बना दी है और सब्जी क्या है वो तड़का लगाने के लिए छोड़ रही है। तो अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप क्या है थोड़ी थोड़ी सी मीठी मीठी सी धूप लगी है। तो यहाँ क्या है ना, पापा पट्टू को मंड रहे थे। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और रूम की सफाई करते हैं पहले, फिर बाहर की करेंगे और फिर मैंने करने हैं कपड़े वॉश। तो आज का मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है मेरे को, तो पानी भी गर्म करना पड़ेगा पहाड़ी गीज़र में, क्योंकि हमारा गीज़र क्या है वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए पहाड़ी गीज़र में ही करते हैं। तो मैं ना कपड़े वगैरह धो के पूरी फ्री हो चुकी हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो हमारे पति जी क्या है वो भी रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, हेलो। दिन का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप क्या है वो थोड़ी थोड़ी सी लगी है, उतनी गाढ़ी धूप नहीं लगी। तो हमारे ना किचन गार्डन में भी टमाटो लगना शुरू हो चुके हैं, पर अभी क्या है वो कच्चे ही हैं इसलिए अभी छोटे छोटे लगे हैं अभी। और क्या है, मिर्ची लगना भी शुरू हो चुकी है देखो। और हमने 2-3 बार तो खा भी ली हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो यहाँ क्या है ना, फ्राशमीन में भी फूल लगना शुरू हो चुके हैं और फिर बाद में इनमें क्या है वो फ्राशमीन क्या है लगेगी। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा ही मौसम है यहाँ पर। दूर पहाड़ों में क्या है वो बादल क्या है वो छाए हुए हैं, मेरे को लगता है वहाँ क्या है बारिश लगी है। और लोग क्या है ना हाई कर रही है यहाँ से, और हमने क्या है सूखने डाले हैं गड़ू और क्या है छट्टी। हमारी लाडो को भी अभी नहीं छोड़ा है, कुछ देर बाद क्या है मम्मी लाडो को लेकर जाएंगे और लाडो का जो बच्चा है वो अंदर है। गांव में भी खूब हरियाली आ चुकी है, वहाँ क्या है मक्की लगी है। यहाँ क्या है ना, मैंने मक्की की खेती थोड़ी कम ही देखी है क्योंकि भरमौर साइड क्या है मक्की की खेती ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ क्या है इन्होंने ही बोई है मक्की और हमने क्या है थोड़ी सी खाने को ही बोई है। सावन का महीना क्या होता है, कितना हरा भरा ही होता है, कितना अच्छा व्यू आता है सावन के महीने में। तो हमारे क्या है वो खीरे लगना भी शुरू हो चुके हैं छोटे छोटे, पहले मेरे को दिखा था कल कहाँ गया वो। हाँ यार, ये देखो और बंद गोभी क्या है ना वैसे ही फूल चुकी है और इसमें क्या है वो कीड़े लग चुके हैं। तो हमारे स्टोर में क्या है वो बुरी हालत हो चुकी है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी सफाई करेंगे। देखो पूरा स्टोर क्या है भरा हुआ है, उस ड्रम में क्या है हमने क्या है आटा डालना है, तो उसमें सेफ रखे रहेगा क्योंकि यहाँ क्या है वो चूहे वगैरह ज़्यादा होते हैं। जल्दी जल्दी से क्या है ना कर लेते हैं सफाई, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ क्या है ना, बाल्टी में हरू रखी हुई है जिसका तेल निकाल देंगे
ये तो थोड़ी है, थोड़ी किसी और जगह रखे होगी। और राजमा ये वाला क्या है, ये खाने के लिए रखे हैं। और क्या है उस तो इस वाले देग में भी क्या है, राजमा रखे हुए हैं। और ये क्या है, कनक है, पिछले साल की है, इस साल तो हमने बोई नहीं थी, तो पिछले साल की ही है। गाडो को भी मम्मी ने छोड़ दिया है घास के लिए, और मेरे को बोला है कि गाय के बछड़े को ऊपर लाना और उसको यहाँ बांध देना, तो मैं उसको लाती हूँ ऊपर। पर वो आता नहीं है, बड़ा मतलब नखरे करता है ऊपर आने के लिए, तो चलते हैं लेके आते हैं उसको। नंदी, नंदू, तो नंदी भी बाहर आ चुका है और उससे आगे नहीं जाता, और खिसमिस के लेके जाना पड़ता है मेरे को वहाँ से। चलो चलो नंदी, नंदी चलो आगे, नंदी चलो, चलो नंदी चल। पीछे से धक्का देना पड़ता है इसको गाड़ी की तरह, तब चलता है। ये देखो नंदी, नंदी चलो। तो ये है हमारे किचन गार्डन की ताज़ी मिर्चें। तो ये क्या चीज़ होती है ना, ये ठंड के टाइम बहुत काम आती हैं, अब तो कोई नहीं लेता, पर इतनी गर्म होती है ठंड के टाइम, इनसे ही काम चलाते थे पहले, अब तो रजाई कंबल वगैरह आ गए, नहीं तो इनको ही लिया जाता था। और मेरी बात की जाए तो मैं भी नहीं लेती इनको, क्योंकि मेरे को क्या है कांटे चुभते हैं इनसे, पर बहुत गर्म होती है, पहले क्या है इनको ही लिया जाता था और बड़ी मुश्किल से मिलती थी ये भी। तो शाम के टाइम क्या है ना, हवा क्या है वो ठंडी ठंडी लग पड़ती है, और यहाँ क्या है वो नंदी मेरे से खेल रहा है। नंदी अभी क्या है, इसके सींग नहीं आए हैं, बहुत प्यारा बच्चा है। इस साल क्या है ना, अखरोट की फसल क्या है वो थोड़ी ही है, नहीं तो अखरोट बहुत ही होते हैं हमारी साइड। तो मैं क्या हूँ, घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ऊपर वाला जो हमारा किचन गार्डन है वहाँ जाके आती हूँ, तो यहाँ वहाँ क्या क्या हो रहा है। और इस वाले किचन गार्डन में मक्की क्या है वो भी लग चुकी है खाने के लिए, तो मैं भी ना ऊपर वाले किचन गार्डन से वापस आ रही हूँ, क्योंकि क्या है घर में क्या है पापा भी आ जाएंगे, इसलिए चलते हैं घर, नहीं तो पापा ढूंढेंगे कहाँ चले गए सारे। तो अभी तक क्या है ना, पापा वगैरह भी नहीं आए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सूट की कटिंग कर देती हूँ, तब तक पापा भी आ जाएंगे और मम्मी भी आ जाएंगे, फिर चाय बनाएंगे, फिर बैठते हैं साथ में। शाम भी हो चुकी है और पापा और मम्मी भी आ चुके हैं, मैंने क्या है उनको चाय वगैरह पिला के क्या है वो फिर से अपने अपने कामों के लिए चले गए हैं। और पापा ना आज हमारे खेत से पहली जो हमारे सावन में पहली खीरा क्या है वो तोड़ के लाए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो पापा ने क्या है ना, खीरा क्या है वो तोड़ लिया है, पहला खीरा है हमारे इस वाले साल का, तो आज क्या है इसको खाएंगे हम। मैंने क्या है ना सूट की कटिंग कर ली है, और अब तो शाम हो चुकी है, अब तो नहीं सिला जा इस मतलब चादर को, ऐसी ऐसी क्या है वो गांठे डालनी है, नहीं तो निकल जाएगा। जैसे इस साइड क्या है वो गांठ डाल दी है, और इस साइड क्या है वो डालने को है। बाहर क्या है ना अंधेरा हो चुका है, तो बाहर नहीं दिखेंगी ये गांठे, तो मैंने क्या सोचा कि अंदर ही अपने कमरे में ही डाल लेती हूँ। ये बात है मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको कंप्यूटर से कर रहा हूं ये बात है मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको कंप्यूटर से कर रहा हूं ये बात है मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको कंप्यूटर से कर रहा हूं।
तो कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।